करूं? नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। अगर नहीं बताया तो जान ले लूंगा तेरी। कैसे आएगा? मारना बंद क्यों कर दिया? और मारो। भैया थैंक यू भैया, आपने मेरी जान बचाई, थैंक यू भैया। अब ये बता कहाँ जाना है? आगे से टर्न लेना है, राइट 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 ले लीजिए भैया। हाय हाय, मैं वापस आ गया भाई। पुलिस ने मुझे बहुत मारा लेकिन मैंने आपके बारे में कुछ नहीं बताया। भाई मैं जानता था आप मुझे बचा लोगे, आपने जिसे भेजा था वो सच में जाबाज है भाई। ये तो क्या कह रहा, मैंने किसी को नहीं भेजा। आपने नहीं भेजा तो फिर वो कौन है? ए, तो कौन है रे? भाई ये तो पुलिस वाला है, इसने हमें फंसाने के लिए चाल चली है। ACP राधा कृष्णा, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। आप ग्रेट हो सर, आप ACP हो फिर भी मुझ जैसे मामूली फंटर को बचाया। आई लव यू सर। अरे क्या आई लव यू बे, हाँ दिमाग नहीं है तुझ में? उसने तुझे बचाया इसलिए तू उसे पसंद करता है? अरे तेरे जरिए वो हम तक पहुंच गया। मान गया साहब, हैदराबाद पुलिस बहुत चालाक है। क्यों बे, देहात के किसी कोने से आकर यहाँ हैदराबाद में क्या कर रहे हो? तुमने क्या सोचा मुंबई की तरह यहाँ आकर भी गंदगी फैलाओगे? अच्छे अच्छे क्रिमिनल्स यहाँ आकर गायब हो चुके हैं। यहाँ पर जेल में भी जगह खाली नहीं, इसलिए इज्जत से यहाँ से लौट जाओ। आवाज ऊंची नहीं वरना हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तुझे एक चांस देता हूँ, मार खाकर अंदर जाएगा या फिर अंदर जाकर मार खाएगा? मार खाना तो तेरा कन्फर्म है रे। तो साहब हम लोग ये इलाका ही छोड़ देंगे। जब मैं पिटाई शुरू करता हूँ तो आधे में नहीं छोड़ता, फुल सेटिस्फेक्शन देता हूँ। तेरा तो नहीं साहब, नहीं साहब माफ कर दो साहब। हेलो, मैं राधा। हाँ दीदी बोलो। भाई तेरी शादी पक्की हो गई? अब मेरी शादी तय हो गई सच में? हाँ रे। लाला मुझे दे। कांग्रेचुलेशन साले साहब, होने वाली लड़की ऐश्वर्या राय से कम नहीं है, जल्दी आ जाओ। थैंक्स जीजू, थैंक यू वेरी मच। ओके बेटा तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा, ठीक है? लड़की लाखों में एक है, अगले हफ्ते में ही शादी। बाकी की सारी बातें मैंने कर ली है और शादी का दिन भी तय कर लिया है। थैंक यू पंडित जी। हमारे ACP राधा कृष्ण साहब की शादी फिक्स हो गई है सर। ये तो खुशी की बात है, लेट्स पार्टी। राधा कृष्णा सर, तुम्हें मैं डबल मुबारकबाद देने आया हूँ। पहली तो तुम्हारी शादी तय हो गई इसलिए, दूसरी उस बिहारी गैंग को तुमने पकड़ के फिनिश कर दिया। तुम किसी गैंग को मत छोड़ना, बस इसी तरह सबको जड़ से उखाड़ फेंकते जाना। सॉरी सर, उन्हें छोड़ दिया। उन्हें छोड़ दिया? ऐसा क्यों किया? साहब आपकी शादी तय हो गई है साहब, आप भी खुश, अब हमें भी खुश कर दो ना साहब। तुम लोग का मतलब क्या है? हमको छोड़ दीजिए साहब, मेरी छोटी बहन की शादी फिक्स हो गई साहब, वो मेरी इकलौती बहन है, उसकी शादी होने तक हमें छोड़ दो ना साहब। हां सर, हम बिहार जाकर उस इकलौती बहन की शादी करवा कर लौट आएंगे ना सर। शादी के लिए एक हफ्ता दीजिए सर। ठीक है छोड़ रहा हूँ, लेकिन एक हफ्ते बाद लौटाना। हाँ, एक हफ्ता। अगर नहीं लौटे तो मैं तुम्हें कब्र से भी खोद निकालूंगा, समझे?
तो इसका मतलब तुमने उन्हें मैरिज लीव पर भेज दिया है। हाँ सर। नीलू, इन्हें अब दोबारा नहीं मिलेंगे सर। सुन लिया तुमने, वो लोग कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जिन्हें तुमने छुट्टी पर भेज दिया है। इसमें गलत क्या है सर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को छुट्टी मिलती है, हम पुलिस वालों को छुट्टी मिलती है, हमारे देश के बॉर्डर पर जो मिलिट्री उसको छुट्टी मिलती है, तो फिर इन बेचारों को छुट्टी क्यों नहीं मिल सकती? वो क्रिमिनल से तो क्या हुआ सर, क्या वो इंसान नहीं है? माना वो इंसान है, लेकिन वो हमारे जैसे नॉर्मल इंसान नहीं है। वो इंसानियत भूलकर शरीफ लोगों का जीना मुश्किल करते, वो नहीं आएंगे। आएंगे सर। क्यों, किस लिए आएंगे? तुम्हारा डर है क्या उनके अंदर? नहीं सर। हाँ? लेकिन आपके डर से वो पेंट के अंदर ये कर देते हैं। अच्छा, मेरे डर से? जी हाँ सर, चाहे क्रिमिनल्स हो, राउडी हो, गुंडे हो, डीसीपी रंजीत कुमार का मतलब जानते हैं, जागता हुआ शेर। इतना ही नहीं सर, इस शहर में औरतों की इज्जत से खेलने वाले क्रिमिनल्स आपके डर से लड़कियों से राखी बंधवा रहे हैं सर। और बोलो। बिना डरे आतंकवादियों पर तोप के गोले की तरह बरसने वाला अगर कोई शख्स है तो सिर्फ एक ही शख्स है सर, डीसीपी रंजीत कुमार। बाबूजी ने एक लाठी का सहारा लेकर अहिंसा के मार्ग से अंग्रेजों की वाट लगा दी थी सर। उस वक्त मैं कहाँ था? आप क्रांतिकारी थे सर। हाँ दीदी बोलो। भाई अब तेरी शादी नहीं हो रही है, लड़की को अमेरिका वाले लड़के से शादी करनी है। क्या हुआ मेरे प्यारे? मेरी शादी फिर से कैंसिल हो गई सर। अरे ये तो बहुत छोटी बात है, पहले फिक्स हो गई फिर कैंसिल हो गई, कभी कभी बारात जाने के बाद भी लौट आती है। ऑल द बेस्ट। मेरी भी क्या जिंदगी है। ये कैसी लड़की है, इसे अमेरिका वाला लड़का चाहिए, ये बात पहले ही बता देती तो बेकार में तैयारियों में टाइम वेस्ट नहीं करते। छोड़ो ना दीदी, उसकी मर्जी नहीं थी इसलिए नहीं की, ये टॉपिक चेंज करो। फिर शुरू हो गए, रो क्यों रहा जीजू? अब मैं रो नहीं तो क्या करूं? क्यों, क्या हो गया ऐसा? दरवाजे तक आया हुआ रिश्ता टूट गया ना। टूट गया तो टूट गया, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एसीपी राधा कृष्णा वेरी टफ गाय। पवन कल्याण से भी ज्यादा टफ गाय हो क्या तुम? प्यार की शुरुआत में क्लाइमेक्स, एयरपोर्ट तक वो पहुंच गई पर दरवाजे तक आने से पहले ही रिश्ते को ठुकरा दिया। वो इमोशंस, वो फीलिंग्स, वो परफॉर्मेंस। और आप मेरा पीछा छोड़ने का क्या लेंगे जीजू? एक बार मेरी बातों पर गौर करके देखो, तुम्हारे अंदर जितनी भी बोरियत है ना वो सब निकल जाए। मेरे अंदर बोरियत है? हाँ हाँ वही तो। जब मम्मी ने डैडी की धुलाई की थी तब डैडी के अंदर की सारी बोरियत निकल गई। ये क्या सुना जीजू, तूने देखा है क्या? देखा नहीं सुना। भैया सिद्धांत जी का फोन आया था। दीदी फिर से वही बात, छोड़ो ना इस बात। ऐसी बात नहीं है, परसों एकादशी है, बहुत अच्छा दिन है भाई। तो क्या, सुबह उठकर नहा धोकर शिव मंदिर में जाकर सच्चे मन से अगर प्रार्थना करोगे तो चुटकी बजाते शादी हो जाएगी। मैं सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ करूं, यही कह रहे हो ना? नेवर, आई एम अ टफ गाय। पवन कल्याण से भी टफ गाय हो क्या तुम? जी जो, टॉपिक चेंज करो ना प्लीज। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह। बेकार, सुबह सुबह उठा दिया, मेरी जगह आप ही कर लो ना। ये भगवान की परिक्रमा, तुम्हारी जगह मैं करूं? जीजू जीजू चलो जल्दी मेरे साथ चलो। कहाँ पर? अरे कहाँ पर क्या, मंदिर नहीं चलना है क्या? मैं नहीं आऊंगा। आप आएंगे, उठो। मन्नत ऐसे ही पूरी होती है, बस परिक्रमा करते जाओ, दिल में अच्छे विचार लाते जाओ, ईश्वर पर विश्वास रखो, मन्नत जरूर पूरी होगी। साले साहब, परिक्रमा करके कमर की हड्डी ढीली हो गई, मतलब तुम्हारी, शादीशुदा है, बुजुर्ग है, ये भी गई, इसका भी हुआ है, सब के सब पहले से बुक है, इसमें तो एक भी टीनेजर लड़की नहीं है साले साहब। ये टाइम बुड्ढों का यहाँ आने का है तो ऐसे में तुम्हें टीनेजर कहाँ से मिलेगी जीजू? कैटरीना कैफ को देखकर सलमान खान क्या जवाब देता जीजू? ऐसी फिगर को देखकर तो रणबीर भी चुप हो जाता। कयामत है ना। बिल्कुल साले साहब। तो क्या करूं? हमला कर प्यारे। मम्मी। हाय छोटी। <छोड़ी। laughs>
दो दो बच्चे। ओ माय डैड, दो बच्चों की अम्मा। वन प्लस वन साले साहब। पहली बार जिंदगी में अफसोस हो रहा जीजू। मेरे दिमाग में शहनाई बज रही है साले साहब। पता नहीं आज सुबह सुबह मैंने किसका मुंह देखा था। हाँ साले साहब। क्या लक्ष्मी, ये किसके बच्चे हैं? हमारे पड़ोस के हैं यार, ये मुझे बहुत पसंद करते हैं। ये अपनी मम्मी के साथ साथ मुझे भी मम्मी कहकर ही बुलाते हैं। सच में बहुत प्यारे हैं। तुम लोग यहाँ हो, मैं कितनी परेशान हो गई थी। आओ बेटा, हम घर मिलेंगे। आज का दिन बहुत अच्छा है, इसलिए तो मैं मंदिर आई हूँ। बालिका, आज तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तुम्हारा जीवन साथी आज यहीं पर है। हेलो, मैं यहाँ कुछ और काम से आई हूँ। आप देखने आए हो या नहीं आए हो, आप मानो या ना मानो, आपके गले में मंगलसूत्र बांधने वाला यहीं पर है, जिसे देखकर आपके दिल में घंटी बजेगी। तथास्तु। हे, तेरे सपनों का राजा यहीं कहीं मिलेगा सुनकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अपर्णा, लक्ष्मी अपर्णा, आई एम अ टफ गर्ल। Okay. चलो जी। ए, तुझे क्या हुआ? क्या सोच रही है? स्वामी जी ने कहा था घंटी बजेगी, बज गई। बाय मिस्टेक दोनों का हाथ वहाँ लग गया, उसके लिए इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? पागल हो जो इन बातों पर विश्वास कर रही हो? तुम जानती हो ना मुझे ये बातें पसंद नहीं है। अब चुपचाप चलिए यहाँ से। हाय व्यूअर्स, जानते हैं इस वक्त हम कहाँ हैं? शहर के नंबर वन कॉन्वेंट स्कूल में, मतलब मेरिडियन स्कूल में। इस सिटी का मोस्ट डिफिकल्ट मैटर क्या है पता है आपको? इस मेरिटिन स्कूल में एडमिशन पाना। एमएलए हो, एमपी हो या मिनिस्टर हो, उन सभी के बच्चे इसी स्कूल में पढ़ाई करते हैं। डिसिप्लिन में नंबर वन, टीचिंग में भी नंबर वन। और किसी स्कूल में नहीं, वो फैसिलिटी इस कॉन्वेंट स्कूल में है। जानते हैं वो क्या है? यहाँ बच्चों की सजा पेरेंट्स भुगतते हैं। यकीन नहीं आता तो देखिए। आई एम डॉक्टर रमा देवी, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा बच्चा 5 मिनट लेट हुआ, उसके लिए मुझे ये सजा मिली। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरा बच्चा क्लास में शरारत कर रहा था, इसलिए उसकी जगह पे मुझे सजा मिली। आप एक सीनियर पर्सन हैं, आप बेल क्यों बजा रहे हैं? यहाँ पेरेंट्स को सजा मिलती है, इस बात से तंग होकर क्या आप लोग हाई कोर्ट में केस करने का इरादा रखते हैं? सीनियर हाई कोर्ट का जज मैं ही हूँ। व्हाट? मेरी बच्ची ने विदाउट परमिशन स्कूल में एंट्री ली, इसीलिए मुझे घंटी बजाने की सजा मिली। आप बड़े लॉयर रह चुके हैं, फिर भी ये सब सहन कर रहे हैं? वैसे बच्चों को स्कूल में मारते हैं जो कि इल्लीगल है, कोर्ट में केस भी हो सकता है। घर में बच्चों को माँ बाप हद से ज्यादा मारते हैं, दैट इज ऑल्सो इल्लीगल। ऐसे पेरेंट्स के ऊपर भी केस हो सकता है, लेकिन बच्चों की हुई गलती की सजा पेरेंट्स को नहीं दी जा सकती, ऐसा कोई ना ही नियम है ना ही कोई कानून। दैट्स ट्रू, सो आई कांट डू एनीथिंग। ओके, आप लोगों ने देखा क्या है स्कूल का सिद्धांत? जब पनिशमेंट मिलती है तब कुछ देर के लिए पेरेंट्स बड़बड़ाते हैं, लेकिन उसके बाद सभी एडजस्ट हो जाते हैं। ऐसा सिद्धांत, ऐसा डिसिप्लिन, ऐसी प्रेस्टीज वाली स्कूल कौन चलाता है क्या आप जानते हैं? वो ना ही कोई रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, ना ही कोई सीनियर प्रोफेसर है। नो, द प्रिंसिपल एंड करेस्पोंडेंट ऑफ दिस कॉन्वेंट इज यंग एंड डायनामिक लेडी मिस लक्ष्मी अपर्णा। ये कोई और नहीं, इस राज्य के वर्तमान होम मिनिस्टर हैं, जो इस स्कूल के फाउंडर कम करेस्पोंडेंट हैं और लक्ष्मी अपर्णा के सगे अंकल हैं। गुड मॉर्निंग मैम। यस, क्या बात है? अपने बेटे के एडमिशन के लिए आए। वो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है। क्या मैं वजह जान सकता हूँ? बिकॉज यू आर अ पुलिस ऑफिसर एंड आई हेट पुलिस ऑफिसर। ऐसा क्या गुनाह किया है मैंने? आपके जुर्म की कोई सीमा नहीं। पब्लिक को हरास करना, जुर्म ढाना, रिश्वत के लिए लोगों को परेशान करना, हमारे बस ड्राइवर पर झूठे इल्जाम लगाकर रात भर उसे अंदर रखकर टॉर्चर किया है आप लोगों ने, और सुबह रिश्वत लेकर छोड़ दिया। पता है उस बेचारे की फैमिली पर क्या गुजरी है? जब भी वो इंसिडेंट याद आता है बहुत दुख होता है मुझे। आई हेट पुलिस डिपार्टमेंट। सुनिए तो सही मैम। नो आर्गुमेंट, गेट लॉस्ट। मैम जरा ये बताइए, किसी पुलिस वाले से अगर आपकी शादी हो गई तो क्या करेंगी? मैंने कसम खाई है कि कभी किसी पुलिस ऑफिसर से शादी नहीं करूंगी। जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक मैं एक पुलिस ऑफिसर के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। यही जिद में अड़ी है वो बेचारी लड़की। क्या आप सच कह रहे हैं? मैं कभी झूठ थोड़ी ना बोलता हूँ। लेटेस्ट में पोकरी गब्बर सिंह फिल्म में हीरो को पुलिस ऑफिसर के रूप में देखकर पुलिस ऑफिसर से ही शादी करूंगी, उसने ऐसा फैसला कर लिया है। इस रिश्ते को आप पक्का ही समझिए है? ये रिश्ता भी लास्ट मिनट में कैंसिल तो नहीं हो जाएगा ना? ना। अगर इस बार कुछ गड़बड़ हुई ना तो तुम्हारा एनकाउंटर कर दूंगा। ठीक है, इस बार मिस नहीं होगा। वो लड़की आपके भाई की मिसेज बनेगी, अगले हफ्ते मंगनी करवा देते हैं, ठीक है ना? ओके। बेटी, दोबारा मैं कभी भी तेरे साथ शॉपिंग करने नहीं आऊंगी। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बेटी। लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। अरे मंदिर वाला स्वामी है यार, क्या पुलिया क्यों बदल लिया? अरे वो मैं नहीं था, वो मेरा छोटा भाई था।
जैसे डबल रोल होते हैं ना, राम श्याम गोपी किशन किशन कन्हैया। तुम लोग जुड़वा हो? नहीं, हम तुड़वा हैं। भविष्य बताते हैं, तुम्हारी जिंदगी में कोई आएगा, तुम दोनों मिलोगे और एक दूसरे को किस करोगे। अपनी बकवास बंद करो। साले साहब कैसा है ये? बकवास है। वॉशरूम किधर है? उस तरफ सर। आप चॉइस करके रखो, मैं भी आया। ठीक है। रुकना, वापस चलते हैं। अरे तो चुपचाप चलना, स्वामी जी ने कहा था कोई मिलेगा तो मिल गया। फकीर कह रहा है तुझे कोई किस करेगा, अगर ये बात सच हो गई तो। फकीर ने कहा कि मुझे कोई किस करेगा, लेकिन इतना दम किस में है? अपर्णा, लक्ष्मी अपर्णा, आई एम अ जस्ट गर्ल। ए, तू ड्रेस सेलेक्ट कर, मैं बस अभी आई। हाँ। साले साहब, अरे आपने मेरे साले को देखा है क्या? नीचे। कहाँ? नो, किधर नहीं, इधर। साले साहब, कैसा लग रहा है? सुपर्ब लग रहा है। आहा, तुम कितने लकी हो। शिट, बेचारी दो बच्चों की अम्मा है, बुरा मान गई होगी, सॉरी बोल के आता हूँ। ले पकड़। देखा ना, फकीर की बात सच हो गई। चुप कर ना, छोड़। कैश या कार्ड? कार्ड। थैंक यू सर। सुनिए जी, सॉरी जी, मैं माफी मांगता हूँ। हुआ क्या था कि मेरा पैर फिसल गया था, इसलिए मैं कुछ नहीं, मैं वहाँ से आ रहा था और ये यहाँ से आ रही थी, मेरा पैर फिसला, इनके ऊपर गिरा और मेरा लिपलॉक हो गया। अरे तो इंटरेस्टिंग मैटर कि तुम दोनों का लिपलॉक हो गया। अब जरा इस बात को डिटेल में बताओ, पहले आप लड़की के ऊपर गिरे, लड़की आपके ऊपर गिरी, आप दोनों का लिपलॉक 100% हुआ या 70% हुआ या फिर 50% हुआ, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे तो थोड़ा मजा आएगा। तुम्हें क्या करना है, तुम अपना काम करो। अरे डिटेल तो सुनने दो, यहाँ रामायण या महाभारत नहीं चल रही है, चलो यहाँ से। इज्जत से पेश आइए जी, मैं तो बस आपसे सॉरी कहने के लिए आया था। ये लीजिए, आपका नाम क्या है? नाम क्यों अंकल? गेट लॉस्ट। थैंक यू। अजी जरा सुनिए, आपने तो मुझे क्या तकलीफ है? हुआ ये जीजू, हम दोनों आमने सामने थे, मेरा पैर फिसला, मैं इनके ऊपर गिरा और तुम चार मीनार के ऊपर चढ़कर माइक से ऐलान कर दो, फिर पूरे शहर को पता चल जाएगा। ये आइडिया कमाल का है जीजू। सुपर। किस गहरी सोच में हो साले साहब? कुछ नहीं जीजू, सोच रहा हूँ शॉपिंग मॉल वाली कभी मुझे माफ करेगी क्या। बीच में बहुत गैप है। मैं बार बार उसे मनाता रहा और वो गुस्से में लाल पीली होकर चली गई वहाँ से। हाँ तो अगर वो दो बच्चों की अम्मा है तो इतनी खूबसूरत कैसे लग रही है, ये सीक्रेट समझ में नहीं आया। वो सीक्रेट जानने के लिए शादी करनी पड़ेगी। शादी के बाद क्या होगा जीजू? शादी के बाद क्यूरी, शॉप में तुम दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे, उसने सिर्फ चूमा या? वेरी फनी, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो उसे अवॉइड क्यों कर रही है? मुझे मौका मिलता तो मैं मिस ही नहीं करती, दो मुलाकातों में ही डन कर देती। उसके बाद कैसी बातें कर रही है तू? दो दिन हमने पुलिस के ऊपर स्टिंग ऑपरेशन किया, इस ऑपरेशन में हमारे हाथ क्या लगा ये आप खुद ही देख लीजिए। पेश है एक स्पेशल रिपोर्ट। शादी तय होने पर इतना हंगामा मचाने की क्या जरूरत है? पब्लिक के सामने पुलिस की इमेज खराब होती जा रही है। पुलिस वालों का ऐसा डांस क्या आप सपोर्ट करते हैं या विरोध करते हैं? जो भी है आप हमें SMS कीजिए। ऐसा करने वालों को DCP क्या सजा देगा? DCP पब्लिक के सामने आकर अगर माफ़ी मांग ले तो ये बात खत्म हो सकती है, वरना ऐसी बातों को और भी बढ़ावा मिल सकता है। ACP को पब्लिक के सामने आना होगा और सामने आने के बाद माफ़ी मांगनी होगी। आपकी इज्जत का तो फालूदा हो गया सर। इसे देखकर जनता के अंदर जो आक्रोश पैदा हुआ है उसे शांत करने के लिए DCP को जनता के सामने आकर जवाब देना होगा। हमें जवाब चाहिए, आपको हमें जवाब देना ही पड़ेगा। फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। पुलिस डिपार्टमेंट की गलती के लिए पब्लिक से माफी मांगने के लिए DCP रंजीत कुमार जी खुद मीडिया के सामने आए हैं। सर आपको जवाब देना ही होगा। जवाब स्टार्ट द म्यूजिक। पुलिस ऑफिसर की गलती आप भी दोहरा रहे हैं? क्यों भाई, पुलिस वाले डांस नहीं कर सकते हैं क्या? सुनो और गौर से सुनो साथियों, छोटे बड़े स्टूडेंट्स डांस कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी डांस कर सकते हैं,
पॉलिटिशियंस और फिल्म एक्टर्स भी डांस कर सकते हैं, तो फिर हम पुलिस ऑफिसर्स क्यों डांस नहीं कर सकते? बोलो भाई, हम पुलिस वालों में किस बात की कमी है? क्या हमें डांस नहीं आता? देखो भाई लोगों, ड्यूटी में भी जीतते हैं और डांस में भी जीतते हैं, इसलिए पुलिस वाले हैं नंबर वन। अब तुम बताओ, भोकरी फिल्म में हीरो कौन है? महेश बाबू। नो, एक पुलिस वाला। और गब्बर सिंह में हीरो कौन है? पवन कल्याण। बिल्कुल नहीं, एक पुलिस वाला। देखिए, एक पार्टी में तो सभी लोग डांस कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैं आप सब लोगों के सामने डांस कर रहा हूँ। हमारा पूरा डिपार्टमेंट आप सबके सामने हमेशा डांस करता ही रहता है, कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो हमें डांस में हरा सके। आपने क्या परफॉर्म किया सर? अच्छा, छुकी बोलती बंद कर दी आपने। मैंने अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया, जलवा तुमने दिखाया था, मैंने तो सिर्फ रिपीट किया। मान गया सर, इस डीसीपी रंजीत कुमार का सर किसी के आगे नहीं झुक सकता है। नहीं झुक सकता। मेरा सर झुकाने की इतनी हिम्मत इस शहर में किसी माई के लाल में है क्या? बताओ, है क्या? है क्या? नहीं है सर। क्या? आपके लिए एक मैसेज आया सर, इस बारे में। आपके पोते के स्कूल में आपको अर्जेंट बुलाया गया। तुमने उसके साथ भी डांस किया था क्या? तो फिर क्या हो सकता है? कहिए मैडम, क्या हुआ? आपने क्यों बुलाया मुझे? किसने कहा था? मैम, मेरे दादाजी। ओहो, वो आप हैं। आपको पनिशमेंट देने के लिए यहाँ बुलाया गया है। पनिशमेंट? मुझे? पर क्यों? आपके पोते की गलती की वजह से। मेरे पोते ने गलती की है? बाबू बताना क्या किया। क्या है ना मैडम, हाँ ये मैंने किया था, बच्चा सही कह रहा है। अब जरा आप ही बताइए इसमें क्या गलती? गलत ही होता है। आप अपना फर्ज भूलकर सबके सामने डांस करेंगे तो सोचो क्या होगा। ये आपसे इंस्पिरेशन लेकर क्लासरूम में डांस करेगा। डिसिप्लिन की धज्जियां उड़ाई है इसने, इसलिए इसकी गलती की पनिशमेंट आपको मिलेगी। क्यों मैडम, आपने मुझे समझ क्या रखा है? तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। सर आपके घर से फोन है सर। किसका फोन है सर? आप अटेंड कर लेते तो। हेलो, सुनो, वहाँ डीसीपी रंजीत कुमार है। मैं तोप हूँ, गोला हूँ, बारूद हूँ, ऐसी बेहुदा पागलपन की बातें मत करना। वहाँ हमारे पोते को एडमिशन मिली है, यही बहुत है। उसे पुलिस वाले एक आंख नहीं भाते। दादा पुलिस ऑफिसर है, ये राज रखने की वजह से ही बच्चे को एडमिशन मिली है। तो मैं इसका दादा हूँ ये बात भी नहीं बतानी चाहिए क्या? आपने अगर वहाँ पर जरा सी भी शेख चिली बगारी तो समझो हमारा बच्चा वहाँ से गया। अच्छा, बच्चे की गलती की सजा चुपचाप मुंह बंद करके भुगतो। बताइए मैडम, आप मुझे क्या सजा देने वाली हैं? उल्टा दीवार से चिपक कर खड़े रहना। दीवार से चिपक कर मैं खड़ा हो जाऊं? Yes. It's all right. दीवार तो मजबूत है ना, कभी कभार बच्चा भी बनना पड़ता है ना, इस बदमाश के लिए, बदमाशी के लिए। ठीक है, चलेगा, मैं खड़ा हो जाता हूँ। ठीक है, साउथ इंडिया का नंबर वन स्मगलर है वीरप्पा। आंध्रा और तमिलनाडु के आधे से ज्यादा जंगलों पर उसका कब्जा है। 20 फॉरेस्ट ऑफिसर्स उसे ढूंढकर निकालने में नाकामयाब हुए। वीरप्पा को पकड़ने के लिए एपी गवर्नमेंट स्पेशल स्क्वाड को भेज रही है। ग्रुप स्क्वाड लीडर एसीपी राधाकृष्णन। ये इस इलाके का फॉरेस्ट ऑफिसर है। सीकर, हाँ? बैठकर बात कर सकता हूँ क्या? उसकी जरूरत नहीं, खड़े खड़े बात कीजिए। खड़े खड़े बात करूँ? You know with whom you are talking?
आई एम वसीकर साइंटिस्ट. ओह, छोटे भीम के फादर? यस, एब्सोल्युटली. क्यों, वो मेरा बेटा नहीं लगता क्या? उसका चेहरा और मेरा चेहरा नहीं मिलता क्या? बताइए क्यों बुलाया मुझे? पनिशमेंट देने के लिए. पनिशमेंट देने के लिए? मुझे पनिशमेंट दोगी? किस लिए? आपके बेटे ने होमवर्क नहीं किया है. क्या, मेरा बेटा होकर उसने होमवर्क नहीं किया? व्हाट नॉनसेंस इज दिस. नो, अभी कहाँ है वो? ए भीम, हाय डैडी. बेटा तुमने होमवर्क नहीं किया? आई लव यू डैडी. ओह, यू लव मी? नहीं किया तो नहीं किया, कोई बात नहीं. ये आप क्या कह रहे हैं जी? सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक इनका एक्सपेरिमेंट देखकर इनकी घरवाली चल बसी. ये आपका इकलौता बेटा है, आपकी बीवी की आखिरी निशानी. ऐसे कैसे चलेगा बताइए, कैसे चलेगा? बच्चे को खाना खिलाने वाला कोई नहीं है तो होमवर्क, बाकी की एक्टिविटीज कौन करवाएगा बताइए? आप मुझे बताइए. स्टॉप स्टॉप, हद से ज्यादा संची हो रही हो तुम. मौका मिलने पर स्टोरी पे स्टोरी सुनाती चली जाती हो. स्टूपिड. व्हाट इज द पनिशमेंट मैडम? आज आपको सभी छोटे बच्चों को संभालना है. हा? क्या मुझे? आमीन. अरे ये तो मंदिर के स्वामी जी हैं, शॉपिंग मॉल का फकीर भी. वो दोनों मेरे भाई हैं, मैं उनमें बड़ा हूँ. सुनो बच्चों, आज बहुत ही शुभ दिन है. आज सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, इधर से उधर, उधर से इधर, आपको आपका प्यार मिलेगा. आपकी ज्योतिष विद्या गलत हुई तो? ऐसा हो ही नहीं सकता, हम तीनों भाई डिस्कस करके ये काम करते हैं. कैसा पहाड़ है और कितना घना जंगल है ये. लेकिन तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? चर्च के फादर ने जो भविष्यवाणी की है वो झूठ साबित होगी, क्योंकि वो मुझे यहाँ नहीं मिलने वाला. उसके मेरे रास्ते एक नहीं है, नेवर. उसका यहाँ पर आना बिल्कुल इम्पॉसिबल है. पता है ना मैं कौन हूँ? अपर्णा, लक्ष्मी अपर्णा. I'm a tough girl. रुक जाओ, लगता है हमें कोई आवाज दे रहा है. ये सब तेरा वहम है, यहाँ उसकी आवाज सुनाई देने का सवाल ही नहीं पैदा होता. लगता है वो सुसाइड करने जा रही है. रुक जाइए, वो देख तेरा हीरो आ गया. हेलो, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं फिर से कहता हूँ, शॉपिंग मॉल में मुझसे गलती हो गई थी, मैं उसके लिए माफी मांग रहा हूँ. उस बात को लेकर आप सुसाइड क्यों कर रही हैं? सुसाइड? मैं? नेवर. मैं समझता हूँ आपको बहुत हर्ट हुआ है, मैं फिर से माफी मांगता हूँ. आत्महत्या करना पाप है. शट अप, स्टॉप योर नॉनसेंस. थैंक गॉड मैं सही टाइम पर पहुँच गया, वरना आपकी मौत का इल्जाम मेरे सर पर आता. अब बस भी करो, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरदर्द तुम हो. तुम्हें तो मेरा पीछा. हेलो सर, मैं कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ. ड्रग्स स्मगलर जॉनी हैदराबाद में आया है सर, और वो बस्ती की ओर जा रहा है. ये अपुन के बारूद भाई जेल में है या बाहर है? आजकल उनकी कोई खबर नहीं है. अरे वो तो यहाँ बहुत मजे में है, अलग अलग धंधा करने के साथ साथ वो सेटलमेंट का काम भी कर रहा है. उसकी किस्मत बहुत मजे. वो सिरसी में चिल्लर कमाता था और आज यहाँ खजाना मिल गया उसे. तेरी तो. यहाँ कैसे आया, ये आखिर है कौन? अरे ये एसीपी राधा कृष्ण है, इससे बच के रहना, ये बात कम करता है, एनकाउंटर ज्यादा करता है. गाड़ी घुमा, गाड़ी घुमा, यहाँ से निकलते हैं जल्दी कर. अरे ये तो हमारे पीछे आ रहा है, पता नहीं हमारा क्या होगा, चल जल्दी कर. चोट तो नहीं है ना? सॉरी. अच्छा हुआ हमारी जान बच गई, वो बच्चे बीच में आ गए. तुमने हमारे बच्चों को टक्कर मारने की हिम्मत कैसे की? देखा नहीं चला सकते? मैं आपसे बाद में बात कर रहा हूँ. सॉरी. मैं जल्दी भाग. सॉरी. सुनो तो. अरे भाग रहे, वो आ जाएगा, तू जल्दी भाग यहाँ से. अरे अरे भाग भाग के मेरी सांस फूल गई, बाल बाल बच गए, जल्दी भाग के कहीं छिप जाते हैं. हिम्मत कहाँ है कि मैं भागूं? अरे एसीपी आ गया तो क्या करेंगे? अरे टेंशन मत लाइए, यादगिरी का बस्ती है, अच्छे अच्छे को यहाँ पीट के वापस भेजा है. अगर आ भी गया ना तो चाय पानी लेकर ही वापस जाएगा, समझा क्या? ए उस्मान, वो चाय बोल रहे. ये लो भाई. और उस्मान कैसा है तू? अच्छा हूँ भाई. चल अपने काम पे लग जल. वाह कहाँ लेकर आए हो, बड़ी मस्त चाय पिलाई है तुमने. ए उस्मान एक और स्पेशल चाय लेके आ. और एक स्पेशल चाय किसको पिलाने के लिए भाई? क्या बे,
तुम लोग जान बचाने के लिए भागे थे तो फिर यहाँ चाय की दुकान पे क्या कर रहे हो? बाल बच्चों के साथ एक दिन भी सुकून से नहीं रह पाया साहब। अभी अभी मैं जेल से छूट कर आया हूँ साहब। मैं तुम्हारा नहीं जाना चाहता। जाओ भाग जाओ। आप लॉकअप में क्या कर रहे हैं सर? मैं लॉकअप में बंद हूँ और तुम मुझे छोड़ाने आए हो, लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से ही मैं लॉकअप के अंदर हूँ। बेलुरु, बाहर आने का सवाल ही नहीं है सर। तुमने तो उस स्मगलर को छोड़ दिया और मुझे अंदर कर दिया, ये हालत हो गई है मेरी। अरे तू कोई पुलिस ऑफिसर है या किसी स्कूल का हेडमास्टर? हर क्रिमिनल को लीव देता रहता है। इधर देख मेरी क्या औकात कर दी तूने। मुंबई पुलिस की बहुत इज्जत है, जानता है उसकी वजह क्या है? वो सही वक्त पर सही फैसला लेते हैं और तू क्या करता है? ताली बजाकर सबको लीव पे भेज देता है। ऐसी बात तो बता, कैसी बात है? कैसी बात है? दिन भर भटक कर तू क्या कर रहा करता रहता है? क्रिमिनल्स को लीव पे भेजने की हिम्मत आती कहां से है तुझमें? आप इसे हिम्मत लेता हूं सब। उसके पीछे जाता, देखता कि उसके साथ कौन बड़ा स्मगलर है, फिर उसे भी पकड़ लेता सर। मगरमच्छ को पकड़ने के लिए छोटी मछली का चारा डालना ही पड़ता है सर। राधा कृष्ण, आई लव यू बच्चे। मेरी हिम्मत के सहारे तुम क्रिमिनल के पीछे चीते की तरह भागना चाहते हो, तो फिर भागो भागो। रुको 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 रुको। हेलो, मैं डीसीपी बोल रहा हूँ सर। ओके सर, ओके सर। क्या बात है सर? राधा कृष्ण सर, तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में किसी ने केस दायर कर दिया है, इसलिए लॉयर ने तुम्हें कोर्ट में बुलाया है। अब जाके जरा लॉयर से मिल लो। जाओ, अब तुम्हारी नैया तो लॉयर के हाथ में ही है। जाओ, ऑल द बेस्ट। जाओ। स्कूल की आज की अदालत में एसीपी राधा कृष्णा को पूरा एक दिन स्कूल का घंटा बजाने की सजा ये अदालत सुनाती है। आपकी सजा देखकर मेरा सिर खुजा रहा है। इतने मशहूर पुलिस ऑफिसर के साथ इस तरह का बर्ताव मुझे बहुत बुरा लगा। तुम्हें बुरा लगने की जरूरत नहीं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। बचपन में मैं अपने स्कूल में घंटी बजाता था, अब बरसों बाद यहाँ पर घंटी बजा रहा हूँ, मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। तुम जाओ और जाकर अपना काम करो, ठीक है? समझ में नहीं आया कैसे इंसान है आप। टेम्पररी पनिशमेंट दे रही हो, लगता तो परमानेंट है। शट अप। ये क्या है, अंदर कैसे आ गए? अब क्या बताऊं जी, आपको देखता हूं तो अपने आप खींचा चला आता हूं। ठीक है ठीक है, देख लिया ना, आप बाहर जाओ। सुनिए, मैं बचपन से श्रीदेवी का बहुत बड़ा फैन रहा हूं। मैं उसकी हर फिल्म देखता था, सिर्फ मैटिनी शो नहीं, मैटिनी के अलावा फर्स्ट और सेकंड शो भी नहीं छोड़ता था। उसी तरह आपको देखकर भी लगता है कि देखता ही रहूं। आई डोंट लाइक दिस ओवर एक्टिंग। अब भी बाहर जाओ और बेल बजाओ। बेल बजाने के लिए भी बहुत टाइम बाकी है, तब तक मैं आपको देखता रहूं। आपको इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसे कहो बाहर जाए और बेल बजाए। अरे बाप रे, आपकी सहेली गुस्से में बहुत ही प्यारी लग रही है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बाहर जाओ। जा रहा हूँ ना। अंकल अंकल, क्या है? अर्जेंट अर्जेंट है अंकल। हाँ तो जाओ ना, जिप खोलो। ठीक है, क्या करना भाई। पुलिस की नौकरी छोड़कर ये घंटी बजा रहा हूँ, हो सकता है इसी तरह तुम्हारे दिल में भी एक दिन प्यार की घंटी बजने लगे। चलो घंटी बजाओ प्यारे, घंटी घंटी। ए तुम लोग गिर जाओगे संभाल के, चलो सब एक लाइन में आओ। भाई समझ में नहीं आया कि वो अंदर कैसे आ गया, वो अंदर ही अंदर अपना गेम खेल गया भाई। वो एसीपी राधा कृष्णा को हम किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे भाई, उसे काट डालेंगे। मैं सच में उसे मार दूंगा भाई। वो मरेगा, उसे मैं जान से मारूंगा। वो कभी तो अपने इलाके से निकल कर बाहर आएगा, उसका सर मैं काटूंगा।
उसका खून अपनी आंखों से मुझे देखना है, अपने बीवी बच्चे के कातिल को मरते हुए देखना है मुझे। पंडित जी, हाँ बहन जी, आपने सारी बातें ठीक ढंग से कर ली है? देखिए बहन जी, आप अपने मन में किसी तरह का संदेह या संकोच मत रखिए। आंख मूंद कर वो लड़की इस घर की बहू बनेगी। कोई नौटंकी होगी तो? इस बार कोई नौटंकी नहीं होगी। अगर हुई ना तो ऐसा मौका कभी नहीं आएगा जजमान। चलो। ए, वो लोग आते ही होंगे, तैयारियां हो गई क्या? मैं तैयार हूँ। तुम्हें देखने कौन आ रहा है, बच्ची तैयार है क्या? देखो वो तो कब से तैयार है। गाड़ी भी आ गई। हाँ ठीक है ठीक है। बेटा ये लड़के के पिताजी और माताजी हैं। नमस्ते। भाई साहब, ये लड़के के दीदी और जीजा हैं। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। अरे जल्दी जाकर चाय पानी ले आओ। ठीक है, अभी आप भी बैठिए पंडित जी। एक मिनट। हाँ हेलो। अरे कहाँ है तू? मैं यही हूँ, लड़की देखने आया हूँ। तेरे लिए? अरे नहीं नहीं, अरे ये मेरे साले के लिए। बहुत दिनों से कोशिश जारी है। ये नेकलेस का डिजाइन बहुत ही प्यारा है। हाय छोटी। साले साहब को बताना होगा। साले साहब जरा आइए ना। लेकिन क्यों? अरे जरा आइए ना जल्दी। जरा एक मिनट आते हैं। जाओ बेटा। क्या हुआ जीजू? तुम्हारी जिंदगी की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। डराओ मत, बात क्या हो बताओ। तुम्हें याद है कुछ दिन पहले दो बच्चों की माँ से मिले थे? पता है वही। पता है? छी, बेवकूफ कहीं के, किसी और के चबाए हुए च्युइंगम से तुम बलून फुगाना चाहते हो। छी, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है। उस दिन हमने जो देखा था ना, वो सब कुछ गलत था। याद है ना, मुझे पनिशमेंट मिला था और मैं स्कूल गया था। फ्लैशबैक दे। जरा जरा बोलिए सर, क्या हुआ? सर आ गए क्या? सर किसकी बात कर रहे हैं आप? अरे वही यार, तुम्हारी मैडम के साथ। उनका कोई सर नहीं है, यहाँ मैडम ही सर है और सर ही मैडम है। तुम समझे नहीं, उसके बच्चों का बाप कहाँ है? किसके बच्चे, कौन सा बाप सर? अरे वही यार, तुम्हारी मैडम का हस्बैंड। हस्बैंड? पहले मैडम की शादी तो हो जाने दीजिए। तो बच्चे किसके? बच्चे आप लगता है कंफ्यूजन में है। एक कुंवारी लड़की को बच्चे होना कैसे मुमकिन है? चुप रहिए और काम कीजिए। तो मतलब शादी नहीं हुई है। फ्लैशबैक देखा? अब लेट हो रहे हैं, चलो। हाँ, अरे देर किस बात की, चलो बात आगे बढ़ाओ। आपका इंतजार कर रहे थे। बच्ची तो 10 मिनट पहले ही आ गई है, वो देखो। बेटी लड़के को देखो। कन्या को देख लिए, कैसी लगी? अच्छी लगी? मुझे तो ये पहले से ही पसंद है। लेकिन मुझे पसंद नहीं है। एन वक्त पर तुमने अपना फैसला बदल दिया। पंडित जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि लड़का पुलिस ऑफिसर है? वो क्या है ना, सिचुएशन में नहीं बताने की खास डिमांड थी। ये बताया क्यों नहीं? मैंने तो सब बताया कि मैंने बीएड पास किया है और बच्चों की मदद करने के लिए कॉन्वेंट में पढ़ाती हूँ। अच्छा, तुम कॉन्वेंट में पढ़ाती हो? ओह माय गॉड, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, ये भी आपको नहीं पता है? नहीं तो, लड़की किसी तरह बीए फर्स्ट ईयर पास हो चुकी है और नौकरी पाने की कोशिश करी है, यही हमें बताया गया। पंडित जी मुझे क्षमा कर दो, इनका जहाँ कहीं भी रिश्ता होता हमेशा टूट जाता है और आप है कि अपनी शर्त पर अड़ी हुई है। तुम दोनों एक दूसरे को आपस में समझ के, एक दूसरे को समझने के लिए यहाँ कोई कुंडली नहीं देखी जा रही। ओके 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 ओके, पंडित जी ने इसको आपके बारे में कुछ नहीं बताया और आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताया, इसीलिए इस शिकायत को यहीं पर बम 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 उड़ा दो। अरे लेकिन जब मुझे शादी ही नहीं करनी है तो इन सब बातों का मतलब क्या है? एक बार फिर से सोच लो बेटा। प्लीज पापा, फिलहाल मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। आपकी जिद की वजह से मैंने हाँ कहा और ले देकर आपको पुलिस ऑफिसर ही मिला। इनके डिपार्टमेंट से ही मुझे नफरत है। हेलो हेलो, अगर मैं पसंद नहीं आया तो कहिए कि पसंद नहीं आया। अगर मुझसे नाराज हो तो मुझ पर भड़को, लेकिन अगर पुलिस डिपार्टमेंट को कुछ कहा तो माफ नहीं करूंगा। तो मुझे माफ करने वाले कौन हो? एक बार नहीं हजार बार कहूंगी, पुलिस डिपार्टमेंट करप्ट है, चीटर है, वायलेंट है। ए, इससे इतनी बात करने की जरूरत क्या है? हम थोड़ा और रुक जाएंगे तो इससे 100 गुना अच्छी लड़की मिल जाएगी। चुप हो जाओ जीजू, तुम्हारी कोई बेइज्जती करना मुझे। कंट्रोल करो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हेलो, हमारे टीचिंग प्रोफेशन के बारे में कुछ गलत मत कहना, वो एक इज्जतदार प्रोफेशन है। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट भी इज्जतदार प्रोफेशन है। ओहो, इज्जतदार? हाथ में लाठी लेकर लोगों को कानून का धौंस जमाते हो और मुझे कह रहे हो? हाथ में चौक का टुकड़ा लेकर बोर्ड पर ABCD लिखना कोई बहुत बड़ा काम है क्या? हेलो, ABCD सिखाना इतना आसान नहीं है। एक दिन स्कूल में आकर बच्चों को कंट्रोल करके दिखाओ तब जाना। मेरा काम भी इतना आसान नहीं है। एक दिन पुलिस स्टेशन में आकर क्रिमिनल्स को जरा फेस करके देखो। सिर्फ एक दिन नहीं, 10 दिन आकर तुम्हारे पुलिस स्टेशन में तुमसे बेहतर तरीके से तुम्हारे क्रिमिनल्स को हैंडल करके दिखा दिया तो मैं भी तुम्हारे स्कूल में जाकर 1 महीने के लिए सही तुम्हारे बच्चों को हैंडल करके दिखा सकता हूँ। तुम्हारे बस की बात नहीं है। डोंट अंडरएस्टिमेट मी। अगर तुमने नहीं करके दिखाया तो तुम्हें अपना यूनिफॉर्म उतार कर नौकरी से रिजाइन करके मुझसे माफी मांगनी होगी। मांग लूंगा, लेकिन अगर तुम नहीं कर पाई तो? तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत करोगी? हाँ मंजूर है। मेरा हर कहा मानोगी? हाँ मैं मानूंगी। वादा करो भागोगी नहीं? हाँ करती हूँ। मेरी जीत को एक्सेप्ट करोगी? हाँ मैं करूंगी, जरूर करूंगी। और मुझसे शादी करने के लिए हाँ करोगी? हाँ करूंगी करूंगी करूंगी। चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ, इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये शादी नहीं होगी क्योंकि मैं ही जीतूंगी। ये शादी होकर रहेगी क्योंकि जीतूंगा मैं ही। नो यस नो, बढ़ाने दो। यस यस
यस नो 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 सर तुम दोनों ने आपस में एक दूसरे को चैलेंज किया है और उसके लिए मुझसे परमिशन मांग रहे हो। तुमने इसे पुलिस स्टेशन समझ रखा है या कोई सर्कस? क्या हम जोकर नजर आ रहे हैं? मैं इस शहर का डीसीपी हूँ, मैं कोई कार्टून गिरी नहीं करने वाला हूँ। तुमने इतना बड़ा चैलेंज दिया तो दिया कैसे? तुमने समझ कर रखा है? सर आप साथ नहीं देंगे? मैं किसी का साथ नहीं दूंगा, मुझे तुम्हारे काम से कोई मतलब नहीं है। इस चैलेंज के लिए परमिशन मैं तो नहीं देने वाला। सर, मेरी इज्जत का क्या होगा? ये सरदर तेरा पाला हुआ मेरा नहीं, तो इस बात को मुझ पर क्यों थोप रहा है? तू मेरा अपना है, इसलिए मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि बच्चे आयुष्मान भव। पहले मेरी शादी तो हो जाने दीजिए। शादी? ओ, 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 शीघ्रमेव कल्याण प्राप्त्यस्तु। आशीर्वाद दीजिए कि जिसे मैं चाहता हूँ उससे मेरी शादी हो। उसी से होगी, तुम जाओ। मतलब आपकी परमिशन है सर? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। जिस लड़की को मैं चाहता हूँ उसे मना कर राजी करना है कि नहीं? राजी तो करना। राजी करने के लिए मुझे चैलेंज जीतना है कि नहीं? जीतना भी। उसके लिए मुझे चैलेंज पूरा करना है कि नहीं? पूरा करना। उसके लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए कि नहीं? वही बात। मतलब कि आप मान गए सर? अरे बाप रे, चित बोलता हूँ तो पट करता है, पट बोलता हूँ तो चित करता है, हमेशा अपने ही क्यों चलाता रहता है? एक बात मुझे बता दे यार कि तुम मुझे इतना क्यों परेशान करता है राधा कृष्णा? क्योंकि आपकी इज्जत का सवाल है सर। अगर मैंने हामी भर भी दी तो गवर्नमेंट परमिशन तो चाहिए ना? नहीं गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मेरी है, फिर मैं परमिशन क्यों नहीं दे सकता? मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, हमारे गाँव में एक छोटा सा स्टेशन है, मैं वहाँ पे चाय बेचता था। चाय एक दिन ऐसा हुआ, इनके दादाजी ने मुझे देखा, मैं उन्हें पसंद आ गया और वो अपने साथ मुझे ले आए। उस दिन से मैं इस परिवार का सदस्य हूँ। आज मैं कौन हूँ? अरे बताओ कौन हूँ? इस राज्य का होम मिनिस्टर हूँ। ये लड़की तो मेरी बेटी जैसी है, तो तुम ही बताओ इसकी आंखों में मैं आंसू कैसे बर्दाश्त करूं? कानून तो कानून है ना सर। बोर्ड के कानून के आगे ये कानून क्या है? हर कोई अपने स्वार्थ के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। सरकारी कुर्सी पर बैठने के बाद मुझे उसका ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन नहीं है, पुलिस वाले होने के नाते तुम भी मत रखो। सिंपल है, अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? देखो डीसीपी, टीवी वाले या मीडिया वाले तक बात फैल जाएगी ना तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, रत्ती भर भी किसी को पता ना चले, समझ गए ना? ओके सर। अब तो तुम खुश हो ना बेटी, काम शुरू करो। अंकल मेरी जीत के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारी जीत होगी। सर मुझे भी जीत का आशीर्वाद दीजिए। तुम भी जीतोगे बेटा, जरा जोर से दीजिए ना सर। तुम ही जीतोगे, तुम ही जीतोगे, तुम ही जीतोगे। हेलो 9848012351 मेरा मोबाइल नंबर है। मुझे क्यों बता रहे हो? रख लो, जरूरत पड़ेगी। मुझे क्यों जरूरत पड़ेगी? जब पुलिस स्टेशन पहुंचोगी तब मेरी बात याद आएगी। क्रिमिनल्स तुम्हें इतना टॉर्चर करेंगे कि तुम अपना होश गवा बैठोगी। घबरा कर तुम मुझे फोन करोगी। आई विल वेट फॉर योर कॉल। बाय। हेलो। Yes. मेरा नंबर 9967065111। उसका मैं क्या करूँगा? रख लो। हमारे स्कूल पहुंचने के बाद जब हमारे बच्चे तुम्हें टॉर्चर करेंगे ना, तो भागने से पहले मुझे फोन कर लेना। मेरे भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जीतना मुझे बहुत पसंद है, बाजी हमेशा मेरे हाथ लगती है। कयामत से हर कोई डरता है, सामना करो तो पता चलेगा। कृष्णा, राधा कृष्णा, आई एम अ टफ गाय। अपर्णा, लक्ष्मी अपर्णा, आई एम अ टफ गर्ल। मैं जीतूंगा। तुम हारोगे। एक दिन तुम्हारे स्कूल में जाकर तुम्हारे बच्चों को तुमसे बेहतर हैंडल करके दिखाऊंगा मैं। तुम्हारे बस की बात नहीं। मैंने करके दिखाया, तुम उससे शादी के लिए हाँ करोगी? हाँ करूंगी, करूंगी, करूंगी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर कॉन्वेंट। थैंक यू। देखो तुम्हारे रहते ही मैंने इतना बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट किया है, तुम्हें हर हाल में मेरा साथ देना होगा। मैं हूँ ना आपके साथ। थैंक यू। 7:45 को प्रेयर होती है। ओके। शार्प 8:00 को क्लासेस स्टार्ट होती है। हमारे कॉन्वेंट की एक खास बात मैं आपको बताती हूँ, हमारे सारे बच्चे बहुत ही डिसिप्लिन्ड हैं। डिसिप्लिन को साइड में रखकर आज पुलिस वाले को सबक सिखाना है। आए बड़े हमारे लक्ष्मी मैम की जगह लेने वाले। उस दिन मैं किसी का पीछा करा था इसलिए वो हादसा हुआ, बच्चे उसे भूले या नहीं? वो तो बच्चे कब के भूल गए होंगे। भूल गए होंगे? नेवर। उसका जवाब बहुत अच्छे ढंग से देंगे हम। अगला एक महीना तुम ही मुझे बचा सकती हो। एक महीना तो छोड़ो, एक दिन में हम तुम्हें भगा देंगे। लक्ष्मी मैम की जगह तुम नहीं ले सकते। इट्स माय चैलेंज। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ये है मिस्टर राधा कृष्णा, इनके बारे में आपको सब कुछ बताया गया है। एक महीने के लिए ये लक्ष्मी मैम की जगह पर है और ये हमारे स्कूल के इंचार्ज होंगे। सर प्लीज। भैया फर्स्ट इम्प्रेशन इज द बेस्ट इम्प्रेशन, तुम पहले ही दिन बातों में बाजी मार लेना वरना हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। मैं सब संभाल लूंगा, तुम घबराओ मत। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। चिल्ड्रन इफ समवन ग्रीट्स यू, यू शुड रिप्लाई, इट्स गुड मैनर्स।
प्लीज तुम शांत रहो, मैं हैंडल करता हूँ ना, आई विल टेक केयर। ओके ओके चिल्ड्रन, अब प्रेयर स्टार्ट करेंगे। ओके, वन टू थ्री। स्टॉप दिस चिल्ड्रन, स्टॉप। बच्चे क्या कर रहे हैं? सॉरी सर, मैं गलत फहमी में थी। चिल्ड्रन आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रॉब्लम से आपको खुद ही निपटना होगा। आई एम सॉरी। साले साहब, तुम बच्चों को हैंडल नहीं कर पाए तो जरा सोच कर देखो, वो लड़की अकेली क्रिमिनल्स को कैसे हैंडल कर पाएगी। सिर्फ एक दिन नहीं, 10 दिन तुम्हारे पुलिस स्टेशन ले जाकर तुमसे बेहतर तरीके से तुम्हारे क्रिमिनल्स को हैंडल करके दिखा दिया। तो अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम अपना यूनिफॉर्म उतार कर नौकरी से रिजाइन करके मुझसे माफी मांगोगे। मांगूंगा, लेकिन अगर तुम नहीं कर पाई तो? तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम लक्ष्मी अपर्णा है और आपका नाम? येल्लूर मैडम। मैं गांव का नहीं, आपका नाम पूछ रही हूं। मेरा नाम है येल्लूर, मेरे गांव का नाम है येल्लूर और मेरे बाप का नाम भी येल्लूर। कंफ्यूज मत कीजिए, हमारे येल्लूर गांव वाले येल्लूर नाम के पीछे पागल हैं। मैडम, उन लोगों से जरा सावधान रहिएगा, इस फाइल में उनकी पूरी जन्म कुंडली लिखी हुई है। इतने सारे लोग यहाँ क्यों? चिंचल जेल में वीआईपीज ज्यादा है, इसीलिए वहाँ पर हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया है मैडम, इसीलिए इन सबको मजबूरी में यहाँ पर रखना पड़ा है मैडम। इन सारे क्रिमिनल्स को एक बार मेरे पास लेकर आओ। यस मैडम। तू अपने पुलिस स्टेशन में ड्यूटी कर रहा था, क्या जरूरत थी तुम्हें ये स्कूल का बवाल लेने की? ये बच्चों को हैंडल करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, इस चैलेंज को कैंसिल कर दो यार। कहां मान, क्रिमिनल्स को हैंडल करना बहुत रिस्की है, ये तेरी खुशकिस्मती है कि तेरी इज्जत बच गई, वरना कुछ भी हो सकता था। प्लीज तू मेरी बात मान। ठीक है जीजू, अभी उससे बात करता हूं। ओके, ये आईडिया ड्रॉप करती हूं, उसे कॉल करो। आई एम सॉरी, मैं समझ गई, पुलिस स्टेशन अलग है और स्कूल अलग है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि इस चैलेंज को अपनी तरफ से विड्रॉ करूंगी। मेरी भी हालत कुछ ऐसी यार, क्रिमिनल्स को हैंडल करना एक बात है और बच्चों को हैंडल करना दूसरी बात। बाप रे बाप रे बाप, उन्होंने तो मुझे दिन में तारे दिखा दिए, और इसलिए मैंने भी एक डिसीजन लिया है कि इस चैलेंज को इसी वक्त मैं ड्रॉप। तुमसे ये कह रहा था कि मैंने इसी वक्त अपना डिसीजन बदल लिया है। वो क्या है? अरे बाप रे, तुम मेरी बात सुनने को तैयार हो गई? मुझे तुमसे शादी करनी थी, इसलिए चैलेंज लिया था। सो माय डियर, चैलेंज इज अ चैलेंज। तुम पल भर में अपना रंग बदलने वालों में से हो। क्या मतलब? हे भगवान, तुम्हारी सूरत देखते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है। अच्छा, ये चैलेंज मैं तुमसे जीत कर ही रहूंगा और तुम्हें अपनी बना कर ही रहूंगा। नहीं, जीतूंगी तो मैं ही, और तुम खून के आंसू रोगे। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। विश यू वर्स्ट ऑफ लक। देखते हैं। देखते हैं। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन।
प्लीज कॉन्सेंट्रेट। तुम लोग लक्ष्मी मैम का कहना मानते हो ना? मानते हैं। उनकी जगह पर मैं आया हूँ, इसलिए मेरा कहा भी मानना चाहिए। क्यों माने? लक्ष्मी मैडम हमें बहुत अच्छे से सिखाती हैं। आप सिखाओगे क्या? हाँ, उनसे भी अच्छे तरीके से। आपको हमारा सब्जेक्ट पता है? हमारा सिलेबस पता है? आपको फिजिक्स आती है? न्यूटन लॉ क्या है? क्विड इंडिया मोमेंट क्या है बताइए? वंदे मातरम गाओ? ये बताइए 2020 कितना होता है? आपको मराठी आती है? हमें बाद में सिखाना, पहले आप जॉनी जॉनी यस पापा पोएम सुनाओ। मैडम साहिबा, हमारे हीरो तो उल्टे मुंह गिरे हैं। मुझे लगता है वो ड्रामा कर रहा है। ड्रामा खेलने में तो मैं भी माहिर हूँ, नौटंकी करना तो हमारा खानदानी पेशा है। तुम्हें पुलिस स्टेशन में आकर एलटीटी का सब्स्टिट्यूट में एक्ट करना होगा। एलटीटी क्या चीज है मैडम? मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं सबके छक्के छुड़ा दूंगा। मैं तुम्हें शूट करूंगी और तुम्हें मरना है। आप मुझे शूट करेंगी? ये जरा टेंशन वाला काम है। अरे फेक बुलेट से यार। फेक बुलेट है तो ब्लड तो बहेगा नहीं। ओके मैडम। ओके। ए मच्छर, तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे अंदर किया? ए हिम्मत है तो बाहर निकाल। ये हीरो कौन है रे? पहले कभी नहीं देखा भाई, लगता है एलटीटी का आदमी है। आप कौन हैं? मोहम्मद बादशाह रिपोर्टिंग मैडम, फ्रॉम बरकतपुरा पुलिस स्टेशन मैडम, आपकी सेवा में हाजिर हूँ मैडम। चलो सब लाइन में खड़े हो जाओ, अपने सेल में जाओ। नहीं गए तो? अरे मारे, हमें ऐसे क्यों मार रहे हो तुम? ए, कहाँ दे रहे तू? मेरे इलाके में आकर लफड़ा करता है? हिम्मत है तो मुझसे लड़। जानता है मैं कौन हूँ? एलटीटी वाला हूँ। तुमने इसकी जान क्यों ली? आपने मारा और इल्जाम आप हम पर लगा रही हैं। राजा राम, इनके नाम पर FIR तैयार करो। मर्डर केस का चार्ज लगाकर इन सबको जिंदगी भर जेल में सड़ाओ। प्लीज मैडम, मैडम हमें जिंदगी भर जेल में मत सड़ाओ मैडम, हम सब बाल बच्चे वाले हैं, हम सब पर तरस खाओ मैडम, हमें माफ कर दो मैडम, प्लीज मैडम। ये मरा हुआ मुर्दा कैसे बोल रहा है? सर नमस्ते सर। सीख रहा है या सिखा रहा है? अरे बचपन में मैंने सब पढ़ा था, अभी थोड़ी याद है मुझे। कोई पोएम कैसे भूल सकता है? यहाँ पर स्टोर रहता है। अच्छा जरा मुझे हम्प्टी डम्प्टी सुनाओ। हेलो हेलो, नानी याद आ गई? नहीं आ रहा, एक मिनट। हेलो हेलो, अब बहुत हो गया, अब चल सोने जा। ये लोग तो पढ़ने भी नहीं देते। वो कौन है जिसने मुझे जॉनी जॉनी यस पापा बोलने के लिए कहा था? मैंने। ठीक है, कल के पूछे गए सवाल का जवाब आज दे रहे हैं, लगता है हमें इन्हें पढ़ाना पड़ेगा। बाप रे, बच्चे तो ढेर से आने। हम्प्टी डम्प्टी सुनाओ। अरे अभी तो पोयम सुनाई, वो कल का था, ये आज का है। चलो क्यों क्यों हमें सुनाओ। एक दिन में एक ही सुनाएंगे। क्लास में आप हमें पढ़ाने आए हैं या ऐसे ही घूमने आए हैं? आपको कोई और राइम नहीं आती क्या? आपको जैकिन जिल आती है क्या? Yesterday we didn't like you, but today we like you. सर, ये बच्चा ठीक से बोल नहीं पाता सर। आज इसका बर्थडे है। Many many happy returns of the day. Thanks sir. सर, इस कॉन्वेंट में बड़े लोगों के बच्चे हैं। उनके बीच मेरा बच्चा यहाँ पढ़ रहा है,
तो मैडम की दया है सर, वो भी बिना एक रुपया फीस लिए सर। ये खुशकिस्मत है, हमारी मैडम बहुत ग्रेट है सर। बाजू में दूसरा क्लास नहीं है क्या? सॉरी जी, एक्चुअली मैं जब देखने गया तो उसी समय तुम भी सुनिए तो। हेलो। ओह सॉरी। सब सही रास्ते पे आ गए मैडम, सब कुछ बता देंगे। ओके मैडम। क्या है? जब सर थे तो हमें हर संडे को नॉनवेज बिरयानी खिलाते थे और हमारे फैमिली मेंबर्स को भी हमसे मिलने देते थे। ये पुलिस स्टेशन है और तुम लोग क्रिमिनल्स, फिर फैमिली मेंबर्स यहाँ कैसे आ सकते हैं? कम से कम फोन पे ही बात करवा दो ना मैडम। बकवास बंद करो। hey, अरे यार ये रोज रोज जुल्म बढ़ता ही जा रहा है। इनके जुल्म का अंत करने आ रहे हैं हमारे शेर, हरी है इनका वार, बस्ती में ललकार है सदाबहार। शमशेर रहीम भाई यहाँ पधार रहे हैं। पुलिस वालों ने हमारा जीना हराम कर रखा है, हम भूखे मर रहे हैं भाई। किसी तरह से हमें यहाँ से बाहर निकालो भाई, उसके दिल में रहम, इंसानियत, दया, हमदर्दी कुछ भी नहीं है भाई। जो होना है वो होता है, जो होता है वो दिखता है। किसी के रोकने से ना रुके, किसी के टोकने से ना टुके। तुम सब लोग मेरे चेले हो, इसके बावजूद तुम एक लड़की से घबरा गए हो, इसका मतलब तुम में हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, बेवकूफ है। मुझे एक देसी विस्की, साथ में तली हुई मुर्गी इसी सेल में चाहिए। डंडा दिखाकर लात खूंसे मारते रहोगे। सुनो, अगर मैं अपनी स्टाइल में आ गया ना, सब तहस नहस कर दूंगा। कहाँ है वो मैडम? मैं कौन हूँ ये भी मैं तुम्हें बताऊँ? कांग्रेस का नाम लेती इंदिरा गांधी की पहचान हो जाती है, तेलुगु देशम का नाम लेती एन टी रामाराव की पहचान हो जाती है, बिग बी का मतलब अमिताभ बच्चन, किंग खान का मतलब शाहरुख खान, और रहीम का मतलब राउडीज की पहचान। पीठ पीछे से वार, बगल में बार, इडली में सांभर, बस्ती में तलवार। अरे बाप रे, भागो भाई, चलो। ये बब्बर शेर बादशाह कहाँ से आ गया? ये यहाँ क्या कर रहा है भाई? ये मैडम का बॉडीगार्ड है भाई। अरे मेरी किस्मत, तुझसे उलझूंगा क्या मैं पागल हूँ? अगर गलती से तुझे गुस्सा गया तो तू मेरे पेट में एक लात मारेगा ना, तो मेरी आंतड़ियां बाहर आ जाएंगी भाई। मैं अपने चमचों को खुशी देने आया था, तो मैं गमसर हो गया हूँ भाई। क्या खुसर पुसर चल रही है उधर? इधर आकर बात करो। मैं खुसर पुसर नहीं कर रहा मैडम, मैं तो पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ मैडम। सलमान खान, आमिर खान, सारे खान ने इंडस्ट्री पे कब से कर रखा है, बढ़िया फिल्म तो बनने से रही है, सब बकवास एक्टिंग कर रहे हैं। कैदे वाले सिनेमा में गब्बर सिंह जैसी एक्टिंग आखिर वो कैसे चाहिए? आजकल ऐसी फिल्में कौन दिखता है मैडम? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इन सबको छोड़ दीजिए, मैं इन्हें वापस ले जाकर रामगढ़ में बसा दूंगा। क्या बड़बड़ा रहे हो, कौन हो तुम? नमस्ते भाई। मैडम मेरा नाम है राम रॉबर्ट रहीम, हिंदू घर में पैदा हुआ हूँ, एक लड़की से प्यार किया और उसके चक्कर में मैंने अपना धर्म बदल लिया, रॉबर्ट बन गया। माइनॉरिटी में रहकर मजहब बदलने से टिकट मिल जाता है, इसलिए मैं रहीम बन गया। मेरी तीन बीवियां मैडम, हीरा बेगम, जोरा बेगम, लारा बेगम। अपनी दास्तान क्यों सुना रहे हो, मतलब की बात करो। करता हूँ। इधरा सेलफोन देना, जल्दी कर। ये लो भाई, भाई इसमें सिम कार्ड नहीं है भाई। शंकर शास्त्री जी, मैं शमशेर बोल रहा हूँ, मेरे चार बंदे अंदर हैं। तुम तो मुझे अच्छी तरह जानते हो, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन से फोन कर रहा हूँ। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरे बंदे अंदर बैठे हैं और यहाँ पर एक लेडी इंस्पेक्टर है। अगर लेडी ने मुझ पर हाथ उठाया तो मेरी इज्जत के परखच्चे उड़ जाएंगे, इसलिए मुझे तुरंत जेल चाहिए। बिना सिम कार्ड के कैसे बात कर रहे हो भाई? चुप कर, बकवास बंद कर, चुप रह तू। क्या कहा शास्त्री जी, भगवत गीता में ऐसा नहीं लिखा है? ओह थैंक यू मैडम, यू आर लकी। आई एम वेरी लकी, मैं जानती हूँ, इधर लाओ। वो किस लिए मैडम? बताती हूँ मैडम, इसमें सिम कार्ड नहीं है। वो मुझे पता है भाई साहब। हेलो मजीद मौला, आपका बेटा रहीम मेरे सामने है, इस वक्त मैं उसकी पिटाई करूँ या नहीं करूँ? क्या कहा, एक मर्द को किसी पराई औरत से पिटना नहीं चाहिए? अच्छा, उनकी बीवी से पिटवाऊँ? ओह थैंक यू। आपकी कितनी बीवियाँ हैं आपने बताया? ये लो, आ गई आपकी धुलाई करने, ये लो पीटो इसे। मैं इन्हें कैसे मार सकती हूँ? हीरा बीवी थैंक यू, जोरा बीवी थैंक यू, लारा बीवी थैंक यू। आपने एक ही लाठी दी है, हम तीन हैं, तीन लाठियां दो, ये लीजिए। अरे क्या कर रहे हो तुम, मुझे क्यों मार रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? मैं तुम्हारा शौहर हूं। अरे नहीं, क्या बात है बोलो। एक छोटी रिक्वेस्ट है मैम। वो क्या? आज से हमारा रमजान का महीना शुरू हो रहा है, हदीस में लिखा है आज जो काम शुरू करेंगे वो काम पूरे महीने करना, पूरे 30 दिन, ऐसा कुरान में लिखा है। कुरान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इस महीने के 30 दिनों तक इसी तरह उनकी धुलाई करने का हमें परमिशन चाहिए मैम। अच्छी बात है मैडम, मैं फिर से हिंदू बन जाऊंगा और वो गुनाह आपके सर होगा। आज का प्रेयर चंदू करेगा। वो तो हकलाता है सर, कैसे कर पाएगा? तुम जरूर करोगे चंदू।
प्लीज कम फॉरवर्ड, स्टार्ट द प्रेयर। जना Come on. Jana. Come on. Jana. Jana. कई लोग ऐसे हकले थे जो आज डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर हैं। तुम्हारे पापा कोटेश्वर साहब यहाँ के प्यून हैं। यही तुम्हारा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। तुम हकले नहीं हो चंदू। सारे बच्चों के माँ बाप पैसे वाले हैं और तुम्हें उनका मुकाबला करना है। क्लासरूम में जब तुम सब बच्चे आते हो तो सब एक समान होते हो। तुम चाहो तो उनसे आगे जा सकते हो। यू आर ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। अपने अंदर से छोटेपन की भावना निकाल दो और खुद को साबित करो चंदू। राजा। हाँ भाई। आज के दिन मेरी बीवियाँ क्यों नहीं आई भाई? हाँ। मेरी धुलाई के लिए क्या उन्होंने गैप दे दिया है? ऐसी बात नहीं है भाई। तो आज शुक्रवार है ना। हाँ? बस नमाज पढ़कर वो आते ही होंगे। लो हाजिर हो गए भाई। ये क्या है, तुम थर्मस में क्या लेकर आई हो? बूस्ट है जी। इतनी धुलाई करने के बाद भी तुम्हें मुझसे कितना प्यार है? तीन तीन थर्मस में बूस्ट लेकर आई हो? ये बूस्ट आपके लिए नहीं है जी, हमारे लिए है। आपको मार मार कर हम भी थक जाते हैं ना, इसलिए हम ये बूस्ट लाए हैं। मार मार कर मरने वालों को पानी पिलाया जाता है, लेकिन ऐसे पहली बार देख रहे हो कि मारने वाला बूस्ट पी रहा है। ऊपर वाले उठा ले। थर्ड स्टैंडर्ड का फ्री पीरियड है, बच्चे लोग बहुत हल्ला मचा रहे हैं। वो छोटा भी हद से ज्यादा बदमाशी कर रहा है। मैं मैनेज करता हूँ, आप यहाँ रहिए। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल फोकट का पानी भरने को। आहा, आगे क्या हुआ? दोनों गिर गए और कहानी खत्म। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। बैठ जा, बैठ जा। ए छोटे बहन, तुम रुको, टेबल पर खड़े हो जाओ। क्या बात है, क्लासरूम में बहुत उधम मचा रहे हो सुना? नहीं तो सर। होमवर्क कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ सर। चलो हमारे स्टेट के बारे में कुछ बोलो। हमारा स्टेट आंध्र प्रदेश है, इसमें कुल मिलाकर 13 जिले हैं। गुंटूर जिले के वापर तालुका में पवन कल्याण पैदा हुए हैं। अरे अरे, ये क्लासरूम है। सॉरी सर। ठीक है, इंडिया के टॉप म्यूजिशियंस के बारे में बताओ। इंडिया के टॉप म्यूजिशियन हैं एआर रहमान, इलैयाराजा, देवीश्री प्रसाद। देवीश्री प्रसाद ने वर्ल्ड फेमस फिल्म में म्यूजिक दिया है, उसमें मेन हीरो हैं पवन कल्याण। ठीक है। क्या हुआ सर? हिंदू संप्रदाय के बारे में जरा कुछ बताओ। हिंदू संप्रदाय के मुताबिक हमें सबसे पहले इज्जत करनी चाहिए अपने माता और पिता की, उसके बाद सासू माँ की। सासू माँ की इज्जत के ऊपर बनी हुई एक फिल्म है फर्ज का दायरा, उसका हीरो वन एंड ओनली डैशिंग पवन कल्याण।
अरे रे, रुको, सर, रुको। सर 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 सॉरी सर, अब ये सब नहीं, बहुत ही सिंपल है। अल्फाबेट बताओ जरा। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डी ई एफ जी एच आई जे के पी, पी फॉर पवन कल। ओके, वाह 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 वाह, क्या टैलेंट है तुम्हें, तुम्हारे पॉप को सैल्यूट। थैंक यू सर। ये भी ना। जी, छोटा भीम की टीचर ऐश्वर्या राय। हाँ तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। और नहीं तो क्या, मैं यहाँ पर खाली बैठा हुआ हूँ, मुझे कोई काम धंधा नहीं है क्या, वेल्ला समझ रखा है मुझे, स्टूपिड। आई लव यू। हाँ क्या, आई लव यू। कॉलर छोड़ो साहब, अपनी भी कोई इज्जत है। अरे 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 क्या कर रहे हैं, अपनी दोस्ती भूल गए क्या? ये क्या बात हुई, एक लड़की चौकी में क्या आई, पुलिस स्टेशन का नक्शा ही बदल गया, क्या कर रहे हैं तुम सब? हाँ हम सब शरीफ क्या करेंगे, अब उनकी हालत बहुत पतली हो गई है भाई। अरे थोड़ा देर बर्दाश्त कर, अपन सब संभाल लेगा, अपने सामने कोई टिकता नहीं है। अबे कौन है वो लेडी इंस्पेक्टर, कौन है बे? कौन है तुम? तुम स्कूल की टीचर हो तो मैं यादगिरी बस्ती का भाई हूँ, अपनी शान पट्टी स्कूल में दिखाना, ये कह दी क्या तुम्हारे स्टूडेंट है क्या? आपको ना भाई तुम भौंक रहा है बे? मैं कहाँ भौंक रहा हूँ, मैं तो मैडम से बात कर रहा हूँ, जरा रुकिए ना। मैडम आपसे ये कहने आया था कि, अरे तुम ऐसे घूरोगे तो मैं कैसे बात करूंगा, ये तो हमारा काम है, हम लोग जाएं। ठीक है जाओ। मैं यादगिरी का भाई हूँ, मुझे याद करना। तुझे पता है सालों पहले भी मैं इन तीनों पर लाइन मारा करता था भाई। ये रहीम भाई की बीवियां हैं। रहीम भाई की? हाँ भाई। वो कहाँ है? यही है भाई, यही है। अरे रहीम भाई, रहीम भाई, अरे रहीम भाई, सलाम वालेकुम, सब खैरियत है ना? कौन हो तुम? अरे जरा गौर से देखिए, मैं हूँ यादगिरी का भाई। यादगिरी हो तुम, कैसे हो भाई? अरे मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपको क्या हुआ, इतने कमजोर और बीमार क्यों लग रहे हो आप? अभी अभी मेरी तीन तीन बीवियाँ मेरी तबीयत हरी करके गई है भाई। एक ही बीवी से हमारे छक्के छूट जाते हैं, आपने तो तीन तीन संभाल के रखे, प्रॉब्लम तो होगा ना। आप बाहर आइए, मैं एक बात बताता हूँ। कौन है? हाई स्कूल मैडम, क्या ये सब? मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे उनकी हालत देखी नहीं जाती, आप उनको जानती नहीं है, वो एक शेर है और आपने उनको पिंजरे में डाल के रखा है। भाई शांत हो जाओ। क्या शांत्रु, क्या शांत्रु? हमारे रहीम भाई सलाखों के अंदर है और हम यहाँ बाहर मजे कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। क्या करेगा? हमारे रहीम भाई की बीवियाँ लॉकअप में क्या करना आई थी बताओ? बजाने। कितने दिनों से? 30 दिनों से। मतलब 30 दिनों का हनीमून पैकेज, मुझे भी यही चाहिए। अगर वो अंदर गिटार बजा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, समझो ना भाई। हमारे रहीम भाई की तीन तीन बीवियां हैं और मेरे पास तो सिर्फ एक लौती, बस सिर्फ तुझे एक चाहिए। आपका बड़ा एहसान होगा, आप समझाइए ना। अरे अंदर मत आना वरना फंस जाएगा रे। अरे इन्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा? अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, आप रोज तीन तीन बीवियों के साथ एंजॉयमेंट करेंगे और मुझे पनिशमेंट क्यों बताओ? हमारी दोस्ती में सब बराबर होना चाहिए ना। मुसरा जेल में 3 बार और चंचल जेल में 4 बार, हम दोनों साथ में थे, हर सुख दुख बांट के हम जी रहे थे, वो दिन आप भूल गए क्या? आप अब मेरे रहीम भाई नहीं रहे। वो कहानी अलग थी, ये कहानी अलग। तेल लगाने गई वो सारी कहानी, आप चुप रहिए, मैं अभी आ रहा हूँ, देखिए मैं क्या करता हूँ। अरे मता प्यारे, एक बार अंदर आ गया तो बच नहीं पाएगा रे। I want my baby immediately within 2 minutes. Hey, wow. Hey, baby. Mwah. I love you. Hey, thank you, madam. Hey. तुम मैडम का सिक्योरिटी संभालो, मैं अभी आता हूँ। Hey, come on, baby. उस राधा कृष्णा ने हमारे स्कूल का एटमॉस्फेयर पूरी तरह बदल दिया है। ऐसा क्या? एक बार स्कूल आकर तो देख, तुम्हें पता चल जाएगा। भीम इसे पकड़ो, कैच। बच्चों की पढ़ाई लिखाई छोड़कर उन्हें गेम खिला रहे हो? इसमें गलत क्या है, बच्चों को भी जरा खेल कूद तो करना ही चाहिए। देखो तुम यहाँ कुछ दिन रहकर चले जाओगे, बच्चे रैंक नहीं लाए तो उनके पेरेंट्स यहाँ आकर हम पर बरसना शुरू कर देंगे। जरा सोचो,
बच्चों को क्लासरूम में बंद करके ये लेसन सुनो वो लेसन सुनो उन पर बोझ बढ़ाओगे तो उनका दिमाग खराब हो जाएगा। कुछ देर ऐसे फ्रेश माहौल में रहेंगे तो उनका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, पढ़ाई का शौक भी बढ़ेगा और बढ़ चढ़ कर बच्चे मार्क्स लाएंगे। जरा देखो बच्चे कितने खुश हैं। मैम हमारे सर हमें बहुत अच्छे से बास्केटबॉल सिखा रहे हैं। हमारी किसी टीम के साथ टूर्नामेंट कराओ ना मैम, मैच से हम एनकरेज हो जाएंगे। हमें पढ़ाई के साथ साथ ये भी सीखना है मैडम। हम क्लास में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं मैडम। श्योर श्योर। डरो मत, अब आपकी मैडम आ गई है तो एक टूर्नामेंट तो जरूर होगा। यस सर। देखा ना सारी बातें सच निकली, बच्चे कितने खुश हैं। बाप रे कितना उधम मचा रहे थे, बास्केटबॉल का बुखार चढ़ गया है सबको। सारे बच्चे मुझसे कह रहे थे कि किसी दूसरी टीम के साथ हमारा मैच करवाओ। अबे सुन, मैडम ने मुझे रासलीला रचाने के नाम पर बहुत पिटवाया ना, अब मैं उसका बदला लूंगा और उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। देखती हूँ इस बारे में क्या कर सकती हूँ। ओके मैडम, उन बच्चों के साथ हम बास्केटबॉल का मैच खेलना चाहते हैं। मैडम तुम्हें बास्केटबॉल खेलना आता है? अरे मैडम को बताओ ना यार, एक बार जब हम उपल्ला जेल में थे तब हम बहुत ही मस्त खेले गए मैडम। आप बस उन बच्चों के साथ हमारा मैच फिक्स कर दो, हम जीत के ही वापस आएंगे, सच कह रहा हूँ मैं। क्या बोलता है तू? आप तैयारी कीजिए, हम मुकाबला करेंगे। कैदियों के साथ बच्चों का मैच, तुम्हारी सहेली का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बच्चे कैसे मुकाबला करेंगे उनसे? चुप रहो, तुम लोगों का मैच दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ फिक्स कर दूंगा। वो बाद में सर, पहले हमें खेलने दीजिए, हम हर हाल में जीत कर दिखाएंगे सर। तुम लोग बच्चे हो, वो शैतान है, तो कैसे जीतोगे? लेकिन ठीक है ठीक है ठीक है, पहले तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी। बच्चों के अंदर बदलाव लाकर उन्हें एक्टर बनाने का श्रेय आपको ही जाता है। सच बताओ मैंने कुछ नहीं किया, बच्चों ने जीतने के लिए जितनी जद्दोजहद की उनके पूरे हार्डवर्क का ही ये रिजल्ट है। ये सब एक महीने में होना संभव नहीं है, इसमें तुम्हारा भी हाथ है। तुम्हारे दिए हुए विल पावर की वजह से आज वो जीते हैं, मेरी वजह से नहीं। मैडम साहिबा, कई दिनों तक लगातार आपने मेरी पिटाई करवाई, वो भी मेरी इन तीन बीवियों के हाथों से। माना वो मेरे गुनाह की सजा थी, लेकिन जब आप यहाँ से चली गई थी ना, तो भी ये तीनों नहीं रुकी, इन्होंने मिलकर मुझे मसाले की तरह पूरी तरह से कूट दिया। और उसके बाद मैं एक बार समझ गया कि भारत देश में एक शौहर के प्रति उसकी बीवी के दिल में आखिर कितना जबरदस्त प्यार होता मतलब है। क्या है तुम्हारा? अब मैं आपको क्या बताऊं? आपने जब से मुझे पिटवाया है ना, तब से लेकर आज 25 दिनों तक मेरे सारे बुरे कर्म को मैंने मेरे शरीर से निकाल दिया है। अब आप ही मुझे बताइए कि अगर ये इस तरह चलता रहा तो इतने बड़े शहर में कोई भी रिश्ता सीमेंट की तरह मजबूत नहीं रहेगा। तो आप ये पिटवाने का काम बंद कीजिए और मुझे बचाइए, नहीं तो फिर अगले रमजान तक मैं जिंदा नहीं रहूंगा और ये तीनों विधवाएं आपको मिलकर कोसेंगी। तुम मुझसे चाहते क्या हो? हम लोग भी बहुत पतिव्रता है मैम, 30 रोज के बीच में हमने ये काम अगर ब्रेक किया तो अल्लाह हमें माफ नहीं करेंगे। क्या कह रही बेगम, अल्लाह ने कब आकर तुमसे ऐसा कहा? सुनिए मैडम, ये ना हिंदू है ना क्रिश्चियन है और ना ही मुसलमान है, ये तो नेपाली है। लिपस्टिक लगाकर ऐसी दिख रही है। एक बार जब मैं नेपाल घूमने गया था ना, तो ये मुझे एक क्लब में मिली थी, इसने आँख मारी, मैंने आँख मारी, प्यार हुआ, बुरका पहनाया और यहाँ ले आया। जब इसका इस्लाम से ताल्लुक ही नहीं है तो अल्लाह इसे कैसे कुछ कह सकता है? या मेरे मालिक। छोटा भीम, पवन कल्याण को तुम चाहते हो ना? सिर्फ चाहता ही नहीं, पागल हूँ सर, आई एम मैड अबाउट पवन कल्याण। तो पवन कल्याण से बात करोगे? सर कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हारी बात करवाता हूँ, मेरा अच्छा दोस्त है वो। हेलो कल्याण, यहाँ पावर स्टार रेडी है। छोटा भीम के बारे में बताया था ना, वो तुमसे बात करना चाहता है, लो बात करो। हेलो छोटा भीम, हाउ आर यू? नमस्ते सर, आई एम फाइन सर। सुना है तुम क्लास में फर्स्ट आते हो? यस सर। और हाँ छोटा भीम, कृष्णा बता रहा था तुम मेरे बहुत बड़े फैन भी हो।
अब मुझे शूट पे जाना है, हम फिर कभी बात करेंगे। तुमसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू सर, अभी रखता हूँ सर। थैंक यू। थैंक्स अंकल। कोई बात नहीं, आई एम सो हैप्पी। आगे से मेरी बात सुनोगे ना? जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। यादगिरी मैडम। जी मैडम। एक गुड न्यूज है। वो क्या मैडम? तुम्हारी बेटी 10th क्लास में पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आई है। और उससे बड़ी बात बताऊं, आज शाम ही तुम्हारी बेटी को कलेक्टर के हाथों गोल्ड मेडल मिलने वाला है। इसके लिए मैं तुम्हें जाने की परमिशन देती हूँ, तुम जाओ। आज यहाँ पर 10th क्लास में हमारे जिला में फर्स्ट आई कुमारी ज्योति को हमारे जिला के कलेक्टर साहब गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करेंगे। मैम आपने कहा था मेरे पापा आएंगे, वो कहाँ है? आए हैं बेटा, वो देखो। पापा आओ पापा। सर मेरे पापा यादगिरी। ये पढ़ा बेटा, एक स्कूल में एक बच्ची ने परीक्षा में तो कमाल ही कर दिखाया। अरे टीचर भी दंग रह गए हैं, बेचारी फीस भी नहीं भर पा रही थी। एक टीचर ने भरा, हमारे स्कूल में इतना दयावान टीचर कहाँ है बेटा? पिताजी 100 में से कोई एक ही ऐसे अच्छे टीचर होते हैं। तुम्हारी बात भी बिल्कुल सही है बेटा, किसी एक इंस्पेक्टर से अगर कोई गलती हो गई है तो बताओ उसके लिए पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पर इल्जाम लगाना कहाँ का इंसाफ होगा बेटा। बेटी मैं तुझे एक बात बताना भूल गई थी, जब तू उस दिन पहली बार पुलिस स्टेशन गई थी ना, मैं बहुत घबरा गई थी। ये बात मैंने वेंकटेश जी को बताई, तब उन्होंने वहाँ बादशाह को भेजा। ये सच है मैडम, आपका पूरा ख्याल रखें और आपका बाल भी बांका ना होने पाए, ऐसा ऑर्डर मुझे राधा कृष्ण सर ने दिया था। मैंने बेल के लिए जज के सामने बहुत रिक्वेस्ट की सर। तेरे जैसा चापलूस और मौका परस्त लॉयर रहेगा तो किसी को भी बेल नहीं मिलेगी। यहाँ से कैसे निकलना है ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। हम लोगों को मेहनत क्या होती है, पढ़ाई कैसे करते हैं ये आपने सिखाया। आप हमारे लिए कितना अच्छा सोचते हैं सर, आपके साथ हमने बहुत एंजॉय किया सर। आप हमें हिम्मत नहीं देते तो हम गेम नहीं जीतते सर। हमें आपका गाइडेंस चाहिए सर। आज मुझे यहाँ पूरे 30 दिन हो गए हैं, अब मैं फिर से आपको छोड़कर स्कूल जा रही हूँ। मैडम जी ने तुम सबके लिए नए कपड़ों का इंतजाम किया है। मैडम आज तक मैंने बहुत गलत काम किए हैं और उसकी सजा सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए मैडम, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि मेरे किए गलत कामों की सजा मेरी फैमिली को भुगतनी पड़ रही है और ये गलत है। इसका एहसास होने के बाद हमने सही रास्ता चुनने का फैसला किया है मैडम। आज के बाद उस रास्ते की तरफ मुड़कर कभी नहीं देखूंगा मैडम। वीरप्पन को यह अदालत उसके किए गए गुनाहों के सबूत के आधार पर उसे मुजरिम करार देती है, इसीलिए अदालत मुजरिम वीरप्पन को 6 साल की कठिन सजा सुनाती है। कहाँ है वो? कॉन्वेंट स्कूल में। चलो। मुझे एक तरबूज खिलाना। ये लीजिए सर। अरे नहीं। ए धूप चोर। बलून लो बलून। ए मुझे दे बलून। चोर कहाँ गया? अरे नहीं। ए जी हमारी बच्ची कहाँ गई? वीरप्पन जेल से भाग गया है सर और उसने बच्चों को किडनैप कर लिया है। एसीपी
पुलिस की वर्दी पहनकर तू अपने टीचर को बचाने का फर्ज नहीं निभाएगा? टीचर को तूने क्या किया और बच्चे कहाँ हैं? तेरी प्यारी महबूबा, मिनिस्टर के बच्चे, एसपी साहब की बेटी, सब मेरे कब्जे में है। तेरे मैडम के साथ साथ उन बच्चों को भी काट डालूंगा। उन्हें कुछ मत करना। एक एक करके लाश भेजू या सबको काट कर सबकी लाश एक साथ तोहफे में भेज दूंगा? बच्चे और टीचर से तेरी कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी मुझसे है। तेरा जाना, तू मुझे मारेगा या मैं तुझे मारूंगा ये तो वक्त ही बताएगा। मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तुझे तो सोच, एक गोदली भी लड़की की जान पर बनी तो तुझे इतना दुख हो रहा है? उस दिन मेरी आंखों के सामने तूने मेरी बीवी बच्ची को मौत के हवाले कर दिया था तो मुझे कितना दुख हुआ होगा, सोचा तूने? तेरी बच्ची अब तक मरी नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। ज्यादा ड्रामा मत खेल, मेरे अंदर की इंसानियत उसी दिन मर गई थी, आज तेरी ये गोदली भी बच्ची तेरे आंखों के सामने मरेगी। ये ले। तुझे कितनी बार
समझाऊं? तेरी बच्ची को उस दिन मैंने बचा लिया था, वो भी तेरे कहर से। तो जैसा राक्षस मैंने आज तक नहीं देखा जो अपनी बच्ची को मारना चाहता, वो देख वही तेरी बेटी है। मेरी दीदी जिस बच्ची को पाल रही वो और कोई नहीं, तेरी ही बेटी है। मार दूंगा तुझे। जिस बच्ची को तू ऊपर से फेंक रहा था वो तेरी ही बच्ची है, तेरी बीवी ने सौंपा था मुझे। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे मरने के बाद इसे गोद ले लेना, पर मेरे पति के पास मत भेजना। मेरा पति अच्छा इंसान नहीं है साहब, वो मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर देगा। वादा कीजिए आप इसे गोद लेंगे, वादा कीजिए। शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया। पुलिस जो भी करती है वो ड्यूटी है, मजरिम को मारना उसकी ड्यूटी है, औरत की इज्जत बचाना भी उसकी ड्यूटी है। सोच कर देख, बेवजह किसी को मारने का हमें कोई शौक नहीं है, हमें भी फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स होते हैं। हम कोई राक्षस नहीं है, हम भी इंसान है इंसान। हर चैलेंज में कोई जीतता है और कोई हारता है, लेकिन ये चैलेंज तो बिल्कुल अलग ही हो गया, इसमें दोनों जीत गए। हाँ बेटा, इसकी जगह तुम गई थी और ये तुम्हारी जगह बच्चों को संभाल रहा था। ये बहादुर बेटा पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद भी ठंडे दिमाग से काम कर रहा था, किसी से भी सख्ती से पेश नहीं आया, सबका दिल प्यार से जीता। और तुम उसकी जगह पर जाकर सबके साथ सख्ती से पेश आई और बुद्धि का उपयोग किया और सबको सही राह दिखाई। रही बात तुम दोनों की, वैसे अक्सर देखता हूँ कि टीचर लोग स्कूल में बच्चों के साथ डिसिप्लिन, होमवर्क, एग्जाम, रैंक के लिए बहुत ही बुरा सलूक करते हैं, पर सही रास्ता तो ये है कि बच्चों के साथ बहुत ही प्यार और दया से पेश आना चाहिए, और वही इस बेटे ने किया। तुम्हें देखकर मुझे बहुत प्राउड फील होता है। बच्चे खुश, तुम खुश, सब खुश।